वेलकम बैक, मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉर्ड न्यूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद और संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में कई हस्तियों को पुरस्कार दिया जाएगा। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने आजाद को पद्म भूषण संस्कृत के उत्थान के लिए प्रोफेसर शास्त्री के कार्यों को देखते हुए पद्मश्री देने का ऐलान किया था। राष्ट्रपति भवन की तरफ से दी गई सूचना में कहा है कि शाम 5 बजे दरबार हॉल में गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के निवासी प्रोफेसर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान रणबीर कैंपस जम्मू में 2006 से 2011 के दौरान प्रचार्य रहे। साल 2011 के बाद वे मनोनीत चांसलर भी रहे। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए बने रहिए सी लॉ न्यूज के साथ।